मुरादाबाद में आज सरकारी मकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में मकान दिलाने के नाम पर जगवती यादव और उसके बेटे चिराग ने मिलकर लोगों को गुमराह किया। आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी आवास दिखाकर उनसे रुपए हड़प लिए। कई बार कहने के बावजूद न तो अभी तक मकान ही दिलाए हैं और न ही रुपए वापस कराए हैं। एसपी को सौंपे अपने शिकायती पत्र में पीड़ितों ने कहा कि धोखाधड़ी के शिकार हुए सभी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर आरोपी माँ और बेटे ने उन्हें अपना शिकार बनाया, जिन्होंने सभी से मकान का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 5,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने बकाया रुपए बाद में लेने की बात कही थी। 5,000 रुपए लेने के बाद उन्हें सोलापुर पुल के पास बने मकानों को दिखा दिया गया। फिलहाल सभी लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने रुपए वापसी की मांग कर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने बोला था हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है जमीन को लेकर। हमें दिखाया गया इसके अंदर आवासीय योजना के मकान, जिससे हमें पहले 6,000 रुपये लिए गए, बाद में लिए गए हमसे 25,000 रुपये, और हमें ना कोई मकान मिला ना चाबी मिली है इसके अंदर। और लेने वाला भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, जगवती यादव हैं, जिनका लड़का चिराग यादव है, जो बंगलेगांव निवासी ताराचंद वाली गली में रहते हैं। उनके बहकावे में आकर ही हम लोग ये कर पाए, क्योंकि रिश्तेदार की वजह से हम लोग फंस गए विभाग में। उनका लड़का है नगर निगम में, चिराग यादव, वो है आपका सोनापुर आवास योजना, जो वहाँ पर टूटे हुए मकान है वो दिखाए गए थे हमें। तो क्या बताया गया था आपको? हम बताया गया था यही मकान आपको मिल जाएंगे, 25,000 रुपये काम होने के बाद देने हैं, बाकी किस्तें बन जाएंगी आपकी। 6,000 रुपये फॉर्म भरने के लिए, किसी 6 लिए किसी 7 लिए, हम तो हैं कम से कम 10 बंदे हैं, बल्कि बंदे ज़्यादा हैं। हम लोगों के लगता है कि ऐसा ही नहीं है, हम लोगों ने करा 10-12 बंदे जो हैं। ये है आपका बंगलेगांव, कप्तान साहब ने जो हमसे परेशानी पूछी हमने बता दी इसके अंदर, कह रहे थे उचित कार्रवाई करी जाएगी इसके लिए।